पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पीएफआई पर देश भर में बैन लगा दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से पीएफआई पर बड़ा एक्शन, गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया और बताया गया कि पीएफआई पर बैन लगाया जा रहा है। न सिर्फ पीएफआई पर बल्कि पीएफआई से जुड़े हुए 8 संगठन भी बैन कर दिए गए हैं। 5 सालों के लिए प्रतिबंध। पीएफआई पर हिंसक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप, आतंकी वारदातों में शामिल होने का आरोप, कट्टरता फैलाना, ये पीएफआई का गुप्त एजेंडा था जिसका जिक्र गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में किया गया है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन ISIS से संबंध, बांग्लादेश के आतंकी संगठन से संबंध और सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप पीएफआई पर। 5 साल के लिए प्रतिबंध। और एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री ने पीएफआई बैन का स्वागत किया है। लगातार वो पीएफआई बैन करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार से भी संपर्क में थे, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और उन्होंने अब इस बड़े फैसले का स्वागत किया है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पीएफआई पर प्रतिबंध का स्वागत करता हूं, ये असम के मुख्यमंत्री ने कहा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, असम में जिस तरह से इसकी सक्रियता बढ़ रही थी, कैंप्स का जो आयोजन है वो वहां भी किया गया था। और ये देखिए इस वक्त ट्वीट दिखा रहे हैं आपको, जिसके जरिए हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, आई वेलकम द बैन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से इसका जो पूरा कैडर है वो फैल रहा था, बताया किस तरह से ये देश के विरोध जो गतिविधियां हैं उसमें शामिल था। इसी को लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा ने केंद्र सरकार का, भारत की सरकार का धन्यवाद दिया है। और इस वक्त बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं जी न्यूज पर लगातार। सबसे पहले सुबह हमने आपको बताया था कि कैसे 5 सालों के लिए यह बड़ा फैसला पीएफआई के खिलाफ लिया गया है, इससे जुड़े हुए 8 और संगठन हैं जिन पर यह बैन लगाया है और तभी से यह बड़ी कवरेज, हर एक अपडेट आपके सामने। और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग राज्यों से हमारे साथ हैं, ये बताने के लिए कि पीएफआई का नेटवर्क कितना बड़ा था और एक्शन कैसे लिया गया है। अरे भैया ऐसे मत हटाओ, ऐसे ऐसा ना, अभी हम 11 बजे आ जाएंगे, 11 बजे सारी आपको पूरी सूचना देंगे। अभी एक कार्यक्रम है, प्लीज प्लीज एक कार्यक्रम है, मुझे बहुत जल्दी है नहीं तो मैं आता। ऐसे ना आपको सब सुन रहे, देखो ऐसा ना, ऐसा है, मैं एक कार्यक्रम में जा रहा हूँ, अभी मुझे क्षमा करें, मैं 1 घंटे में वापस आ रहा हूँ, आपको पूरी बात बताऊंगा, ठीक है। चलिए प्लीज 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 अभी बस आ रहा हूँ, बहुत जरूरी कार्यक्रम है NDRF का, तो उसके लिए जाना है, ठीक। ठीक है, 11 बजे और जानकारी दी जाएगी कि पीएफआई को किस तरह से बैन किया गया, वजह क्या रही। तमाम सहयोगी मेरे साथ है। मनीष, पीएफआई पर बैन, गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में क्या वजह बताई गई है और अब बैन होने के बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी? देखिए, जैसा कि हम लगातार डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रहे हैं कि पीएफआई के खिलाफ जो रेट्स डाले गए थे उसमें कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स मिले थे। जैसा हमने आपको पहले दिखाया कि जो पीएफआई की रेट हुई उनके पास से कैसे IDs बनाया जाए, कैसे मटेरियल इकट्ठा किया जाए, कैसे एक्सप्लोसिव के मटेरियल इकट्ठे किया जाए, कैसे सीक्रेट कम्युनिकेशन किया जाए, GPS डिवाइसेस मिले हैं। और केरल में तो पिछले अगर आप 6-7 महीनों में देखें तो कई उनके टेलीफोन एक्सचेंज भी पीएफआई के लोग उसको ऑपरेट करते पाए गए हैं। इसके साथ ही फिजिकल ट्रेनिंग कैसे की जाए उसके भी डॉक्यूमेंट मिले हैं। और सिर्फ डॉक्यूमेंट ही नहीं, हमने देखा कि पिछले कई राज्यों में चाहे जूटो कराटे की ट्रेनिंग हो चाहे शूटिंग की प्रैक्टिस हो, इनके जो लोग हैं पीएफआई के वो शामिल पाए गए। और यही वजह है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को ये लग रहा था कि अगर पीएफआई पर एक्शन नहीं लिया गया तो ये एक बड़ा टेरर ग्रुप की तरह बन सकता है। आप जानते हैं कि पीएफआई के कई काजस ISIS के आतंकी भी बन गए जाकर के अफगानिस्तान में। तो इन्हीं छापों के आधार पर गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया कि अब बहुत हो चुका है, अब कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। तो हमने देखा कि पहले ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया, फिर सेकेंड ऑपरेशन चलाया गया, पीएफआई कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना करे। और उसके बाद जब सिक्योरिटी एजेंसी पूरी तरीके से इंश्योर हो गई कि अब ये सही वक्त है, तो आज हमने देखा कि सुबह के टाइम में ये नोटिफिकेशन आया कि पीएफआई को भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बैन किया गया। उसके बाद सेकंड नोटिफिकेशन, सेकंड पार्ट आया जिसमें कहा गया कि स्टेट्स को भी पावर दी गई और ये कहा गया कि स्टेट भी कार्रवाई कर सकती है और सेंटर भी कर सकता है, क्योंकि सिर्फ सेंटर का अधिकार नहीं होगा, स्टेट भी करेगा। राज्यों को भी अधिकार दिया गया है, फ्री
स्टेटमेंट दे दिया गया है। जितेंद्र, अब यहां से सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा, जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे हैं बैन के बाद, कि अब कैसे इस पूरे संगठन पर काबू पाया जाए। वो मेंबर्स जिनका कोई खाका ही नहीं है, वो ऐसे छोटे छोटे संगठन जिनके बारे में कोई डेटाबेस में कोई जानकारी ही नहीं है, तो क्या ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है एजेंसियों के लिए? देखिए, बिल्कुल, जो पीएफआई को बैन कर दिया गया है, पीएफआई के साथ जो उनकी जो काफ़ी जो आर्म्स थी जो उसके साथ बनी हुई थी, सीएफआई है या आरआईएफ है या एनएफडब्ल्यू है, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल है, इस तरह की जो दूसरे जो एफिलिएटेड संगठन थे उनको भी बैन कर दिया गया। लेकिन अब असली चैलेंज सुरक्षा एजेंसियों के लिए शुरू होता है, और वो ये है कि पीएफआई ने जितने भी अपने कैडर में लोग भर्ती किए हैं, यानी कि जो भी उनके कैडर के लोग हैं, उनका किसी तरह का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया है। सिर्फ अभी तक की जो कार्रवाई हुई है वो सीनियर लीडरशिप जिसके बारे में जानकारी थी उनसे पूछताछ के आधार पर जो क्रैकडाउन किया गया था, कल जो एजेंसीज ने क्रैकडाउन किया था, 250 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, काफ़ी लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो ये अच्छी बात है कि जो हिंसक और जो कट्टर जो लोग थे इस कैडर के, उन लोगों पर कार्रवाई अब तक की जा चुकी है। लेकिन जिस तरह का पीएफआई दावा करता है कि उसके 1.5 लाख से ज़्यादा लोग इस कैडर पीएफआई के साथ जुड़े हुए हैं, उनके बारे में और जानकारियां जुटाना कि कोई स्लीपर सेल की तरह कोई काम कर रहा है या फिर कोई अलग संगठन के साथ जुड़ जाएगा, या फिर सिमी जिस तरह से बैन हुआ तो पीएफआई बन गया, तो क्या ये जो कैडर है ये इस तरह से तो नहीं काम करना शुरू करेगा कि लॉ बिल्कुल पीएफआई का कैडर जिसकी कोई लिस्ट मेंटेन नहीं की जाती है उस पर आने वाले दिनों में कैसे एक्शन होगा ये भी हम देखेंगे। और इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान हैं, संगीत रागी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सैयद हसलुल हक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वकील हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। संगीत रागी, ये बड़ा एक्शन, इसकी उम्मीद भी की जा रही थी और एक बड़ा मैसेज भी। देखिए, मुझे लगता है कि आजाद भारत में 70 साल में पहली बार किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ इतने बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया, और जिस तरीके से अभियान ये चलाया गया है वह भी अपने आप में अभूतपूर्व है। रात के सन्नाटे में, ताकि उनको, एक कहा जाता है कि यदि आपको सांप को मारना है तो सबसे पहले आपको बिल में पानी देना पड़ेगा, और बिल के जैसे ही वो बाहर, जब तक वो नहीं निकल करके आते हैं तब तक आप उनको मार नहीं पाएंगे। तो सरकार ने संभवतः पीएफआई की एक्टिविटीज़ को बहुत दिनों से मॉनिटर किया, उनका पता किया कि वो कहां कहां से हैं। जब इनके सारे नेटवर्क एक साथ बाहर निकल करके आ गए, और ये शाहीन बाग के बाद की गया, 2017 में सबसे पहले केरला में, इस केरला के डीजीपी ने इसके बारे में प्रेजेंटेशन दिया था। उसके बाद से पीएफआई पर सारी सरकारें नजर रख रही थी, एक एक करके सूचनाएं जो है वो भारत सरकार को प्राप्त हो रही थी, और भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय बधाई का पात्र है जिन्होंने इस प्रकार से इस चीज को अंजाम दिया है। सबसे पहले उन्होंने पकड़ा, बैन करके नहीं पकड़ा, सबसे पहले इनको पकड़ा, पकड़ने के बाद जो सूचनाएं आई उसके बाद दोबारा रेड किया गया, और दोबारा रेड करने के बाद फिर तिबारा रेड किया गया, जिसके बाकी उनके अन्य जो अनुसांगिक संगठन थे उनके लोगों को पकड़ा गया, और जब ये सारी चीजें हो गई, बिल्कुल ये सारी चीजें धीरे धीरे करके जब सामने आ गए तब पीएफआई पर एक्शन हुआ। लेकिन हसानुल्लाह, आपको लगता है कि देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी स्थिति में भी कई ऐसे राजनेता सामने आ गए जिन्होंने कहा कि पीएफआई पर एक्शन क्यों ले रहे हैं, ये तो मुसलमानों की भलाई के लिए काम करता है, इसने किसी का क्या बिगाड़ा है? सबसे पहले मैं शहीद आजम भगत सिंह को शश्त नमन करूंगा। अब आप कह रहे थे संगीत रागी जी बैठे हुए थे, संगीत रागी जी थोड़ा सा आप इतिहास के, उनको जानकारी नहीं है, आजाद भारत में सबसे पहले किसी आतंकवादी संगठन को बैन किया गया था तो वो आरएसएस है, जिसको जिसने गांधी जी की हत्या की, और सरदार पटेल जी ने, इन जो हमारे आदर्श हैं और आरएसएस की बीजेपी वालों के भी आदर्श हैं, जो आजकल की बीजेपी वालों के आदर्श हैं। अरे आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए रागी जी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत अच्छा बोल रहे थे आप, बहुत अच्छा बोल रहे थे रागी जी, पानी पी लीजिए, जब तक पानी पीजिए रागी, शायद आतंकवादी संगठन और पेशेंस रखा कीजिए, पेशेंस रखा कीजिए, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है। दुनिया में किस धर्म के मानने वाले लोग आतंकवादी हैं,
दुनिया में आतंक कौन धर्म फैलाता है, कौन आतंकी पैदा करता है, ये जानकारी चाहिए। आपकी देश पता है कि पता है कि आप आतंकवादी और जिहादियों के साथ खड़े हैं, आप देशभक्त हैं या नहीं? मुझे पता है कि आप आतंकवादी और जिहादियों के साथ खड़े हैं। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।